नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहित जोशी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई हैं और उन झाइयों के वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी आपने ऑइंटमेंट्स इस्तेमाल कर लिए हैं और जैसे ही आप उन ऑइंटमेंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर रहे हैं तो आपको दोबारा से बहुत अधिक झाइयों की दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। होप सो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बात करूं अगर मैं चेहरे की झाइयों की, जिसको कैलोस्मा, मेलास्मा, डार्क पैचेस आपकी स्किन में पड़ने लग जाते हैं, दोनों गालों में लगभग मिलते जुलते सिमेट्रिकल पैचेस दोनों गालों में इसके देखने को मिलते हैं। जनरली आपके शरीर में मेलेनिन पिगमेंट, मेलेनिन की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होने लग जाता है। आपकी जो स्किन होती है वो डार्क कलर की होने लग जाती है, उसमें डार्क ब्राउन पैचेस पड़ने लग जाते हैं, भूरे रंग के पैचेस आप ईजली आप देख सकते हैं कि एक भूरे रंग के पैचेस आपकी स्किन में देखने को मिलते हैं। और ऐसे एरियाज में ज़्यादा होता है, जैसे आपके फोरहेड में ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपके चीक्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है या नोज में आपके ये प्रॉब्लम देखने को अधिक मिलता है। जनरली आपको अगर प्रोलॉन्ग्ड, अगर आप लंबे समय से अगर धूप में काम करते हैं या ऐसे कारण होते हैं कि आपको अगर धूप में सन एक्सपोजर में आपको ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उन पेशेंट्स में इसकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। कॉजेज़ की अगर मैं आपके बात करूं तो कॉजेज ये जनरली कॉमन एक स्किन डिसऑर्डर है, आपको यंग वुमेंस को ये परेशानी बहुत देखने को मिलती है। हालांकि ये विटिश जिनका कॉम्प्लेक्शन होता है, जैसे इंडियन कॉम्प्लेक्शन होता है जनरली ब्राउनिश या विटिश कॉम्प्लेक्शन, उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये और भी बहुत सारी स्किन टोन्स को इफेक्ट कर सकता है। जनरली ये फीमेल हार्मोन्स की अगर इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में, स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अगर फीमेल की बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए तो उन केसेस में देखने को मिलता है। कॉमनली ये प्रेग्नेंट महिलाओं को इसकी दिक्कत परेशानी होने देखने को मिलती है। जनरली जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल पिल्स खाती हैं, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल जो ज़्यादा करती हैं, उनको ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा भी प्रॉब्लम है कि कुछ महिलाएं अपनी महावारी संबंधित परेशानियों को लेकर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं, जिनको हम HRT बोलते हैं, मेनोपॉज के टाइम पे महिलाएं इसको कराती हैं, तो उस वजह से उन कारणों की वजह से भी ये दिक्कत परेशानी देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि सन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप किसी भी तरीके से ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने वाले लोगों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये परेशानी महिलाओं को बहुत अधिक होती है, लेकिन पुरुषों को भी ये परेशानी होती है। अगर कोई मेंस प्रोलॉन्ग लंबे समय तक धूप में काम करते हैं तो उनको भी ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी के मदर फादर को ये दिक्कत परेशानी है तो उनको भी ये दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आप महिला हैं और आपको थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में आपको सन एक्सपोजर जब भी आप घर से बाहर निकले, ऐसी महिलाएं अपने फेशियल रीजन को पूरा कवर करके निकले। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आप इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से इस्तेमाल करेंगे तो आप जो आपके चेहरे पे झाइयां हो रही हैं उन प्रॉब्लम से परमानेंटली आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करूं आपसे टॉप मेडिसिन की, तो जो सबसे पहले नंबर की लिस्ट में आती है वो है सीपिया। सीपिया अगर आपके नोज रीजन में अगर स्पॉट्स पड़ रखे हैं और ब्राउनिश कलर के वो स्पॉट्स हैं, जनरली फीमेल्स में अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये परेशानी हो रही है, तो महिलाएं सीपिया 200 को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका BD करना पड़ता है। BD मतलब आपको खाने से सुबह लगभग आधा घंटा पहले और शाम के टाइम आधा घंटा पहले 4 बूंदें सुबह और 4 बूंदें शाम को इस्तेमाल करनी होती हैं। दूसरी दवाई अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस, ये भी 200 नंबर की दवाई काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसमें जनरली थूजा ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनकी ऑयली स्किन होती है, ग्रीजी स्किन होती है, बहुत लाइट ब्राउन कलर के पैचेस उनकी स्किन में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे में थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 पोटेंसी में काफ़ी इफेक्टिव रेमेडी है। और इस रेमेडी को भी आप BD आपको इस्तेमाल करना होता है खाने से लगभग आधा घंटा पहले, 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली अपनी टंग में सुबह और शाम अगर आप इस्तेमाल करेंगे 1 महीने तक, तो काफ़ी वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ पुरुषों को अगर ऐसी दिक्कत परेशानी हो रही है, अगर मेंस को ऐसा कोई दिक्कत परेशानी है, तो उस कंडीशन में आप कैडमियम सल्फ 30 पोटेंसी में आप इसकी 2 बूंदें सुबह, 2 बूंदें दिन में, 2 बूंदें शाम को, पुरुष लोग कैडमियम सल्फ अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे तो काफी बेहतरीन रिजल्ट्स आपने कैडमियम सल्फ देती है। मोस्ट कॉमन एक दवाई आपसे डिस्कस करूंगा जिसको मेंस और वुमेन्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम है बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू। ये मदर टिंचर होता है। बर्बरिस एक्वाफोलियम को आपको थोड़े से लगभग 2 चम्मच गुलाब जल में 10 बूंदें
डालकर एक कॉटन से जहां पर को आपके पैचेस पड़ रखे हैं, जहां पर को आपको डिस्कलरेशन हो रखा है स्किन में, अगर आप उसको अप्लाई करेंगे सुबह शाम अप्लाई करेंगे और ऊपर बताई गई दवाइयों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको इन दवाइयों को एक महीने तक इस्तेमाल करना है और अगर आपको एक महीने में चेंजेस नजर नहीं आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में तो ये मेडिसिन वर्क करती है, लेकिन कुछ परसेंटेज में अगर ये मेडिसिन वर्क नहीं करती तो आपको अपने एरिया में किसी नज़दीकी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करना है। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिनको मेलाज्मा या केलाउज्मा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का प्रॉब्लम हो रखा है तो उनको स्पेशली कुछ प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि आप कभी भी धूप में निकलते हैं तो आपको अपना फेस को कवर करके निकलना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोलॉन्ग्ड ये धूप में अगर आप इसको एक्सपोज करेंगे तो ये परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आपको जनरली एक 6 से 8 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, नींद आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको लगभग 8 से 12 ग्लास पानी प्रतिदिन पीना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस और एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो उसको दूर करने के लिए आपको योगा करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज जो मैंने ये हाइपर पिगमेंटेशन पर वीडियो बनाया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।